हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित सिंह एंड वेलकम टू योर चैनल फोकस सिविल वर्क। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो आपको मैं ऑन साइट कुछ खास बताने वाला हूँ जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये आप अपनी तरफ साइट से कर सकते हैं क्योंकि कोई ड्राइंग वगैरह में नहीं दिया होता है ये चीज़ कि आपको ये करना ही करना है। लेकिन आप अगर एक मकान मालिक को, ओनर को आप ये चीज़ बताओगे तो आपको ये बहुत सही रहेगा बताने के लिए, क्योंकि इससे क्या पर हमें क्या है, जैसे कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो ब्लैक पिन्नी दिख रही है, ये जो ब्लैक पिन्नी दिख रही है जितनी भी है, तो उसका क्या पर्पस है, क्या उसका उद्देश्य है लगाने का। तो इस वीडियो में आज इतना ही कि इसका क्या बेनिफिट हमें होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ भी एक घर बना हुआ है, ठीक है, और हमारा यहाँ भी इधर घर बना हुआ है, तो हमारा घर क्या है, बीच में आ रहा है, मतलब इधर भी घर है इधर भी घर है। हमें इसमें कुछ नहीं कह सकते कि अगर यहाँ पे इनकी टॉयलेट वगैरह है इस दीवार के पीछे या वॉशिंग एरिया है तो वहाँ से सीलन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे हमें। तो हम उनसे ये तो नहीं कह सकते ना कि आप अपनी वॉशिंग एरिया या अपनी टॉयलेट चेंज कर लीजिए, हमारा यहाँ घर है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी क्या है, उनकी तो घर है, उनका ऑलरेडी उनकी भी ज़मीन है, तो हम उस अंडर उसमें कोई कुछ कुछ बात नहीं कह सकते उनको। तो इसलिए हम उनसे ना कह के अपने ही जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उसको रोकने के लिए एक उपाय है जो हम साइट पर करते हैं, जो कि ड्राइंग से, आर्किटेक्चर से अलग होता है। अगर आप नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आप सीलन रोकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे कि हमारा प्लिंथ बीम डल रहा है, ठीक है, नीचे से ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा क्या है, नीचे से हमारा ये फाउंडेशन आ रही है और ये हमने जो ब्लैक पिन्नी है ये हमारी नीचे फाउंडेशन से ही उठती आ रही है, दीवार से लग के, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, ये ऐसे ही हमारा प्लिंथ बीम जा रहा है वहाँ से वहाँ तक, जितनी भी हमारी वॉल है उसके अपोजिट साइड हमारी ये ब्लैक पिन्नी जो है वो पिन्नी हमारी साइड में लगी हुई है। इसका पर्पस क्या है, इसकी ये ऐसे ही ये पिन्नी लगती जाएगी जितनी भी हमारी ऊंची बिल्डिंग होगी, जैसे कि आपको वहाँ दिख रहा है यहाँ से एवब काम वहाँ चल रहा है, वहाँ कॉलम कास्टिंग होनी है अभी, तो वो हमारी पिन्नी लग रही है, जैसे कि हमारे ये मेशन लोग हमारे ये पॉलीथीन लगा रहे हैं, पिन्नी लगा रहे हैं ब्लैक पिन्नी। ये थोड़ी हार्ड पिन्नी है, इसको लगाने में थोड़ी ज़्यादा इतना बड़ा खर्चा नहीं आने वाला है, लेकिन उस खर्चे से बहुत मामूली है। अगर आपको कल को आपकी मॉइस्चर, नमी, सीलन वगैरह आती है तो उसके सामने ये खर्चा बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम मामूली है। तो इसका बेनिफिट हमें, मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसे लगाना, प्रोवाइड करना होता है। देखिए, सबसे पहले हमें जब फाउंडेशन खुदती है तो फाउंडेशन के साथ ही जब हमारा ब्रिक वर्क चलता है या फिर हमारा कॉलम कार्ट जो, तो उसके नियर अपोजिट ही हम उसमें पॉलीथीन लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा इधर की सीलन नहीं आने वाली इधर, तो ये जो वॉल है ये जितनी भी है ये हमारी ऐसे ही चलती जाएगी और हमारी जो पिन्नी है वो ऐसे ही चलती जाएगी। देखिए, आप जितना भी आपको दिख रहा है लंबाई में सारी पॉलीथीन लगी हुई है। अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका तो इसलिए हमने ये पॉलीथीन लगा रखी है। अभी मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि हमारा वहाँ काम चल रहा है वहाँ पर हमारी पॉलीथीन लग रही है। अब मैं उसको बताता हूँ किस तरीके से लग रही है। देखिए दोस्तों, ये हमारी पॉलीथीन जो है वो लग रही है इसमें। ये देखिए हमारा, जैसे कि ये ओवरलैपिंग भी करनी है, जैसे कि जो हमारी पहली वाली पॉलीथीन है वो यहीं तक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ हिस्सा कम से कम 10 से 1 फीट हमें क्या करना है, वो पॉलीथीन को नीचे रखना है। इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग हमारी हो जाएगी। ओवरलैपिंग के बाद हम इसको अभी तो टेम्परली इससे बांध रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर जो गुल में कीलें होती हैं उससे हमें इसको लगा देना है, जैसे आपको ये दिख रहा है, यहाँ से हमें फ़िक्स कर देना है। ये फिक्स हो जाएगी, अभी टेम्परेली हमारी क्या हो रहा है, ये बन रही है, टेम्परेली बन रही है। अब इससे ये बेनिफिट हमें यही होगा कि हमारे जो सीलन है उस घर की सीलन इस घर नहीं आएगी और इस घर की सीलन जो है उधर नहीं जाएगी, ना ही हमें उससे कोई दिक्कत रहेगी कि हाँ भाई तेरी सीलन हमारे घर में क्यों आ रही है, और ना ही उसको हमारी दिक्कत रहेगी कि हमारी सीलन क्यों आ रही है। हम चाहें कहीं भी टॉयलेट बना सकते हैं, कहीं भी वॉशिंग एरिया, सब कुछ कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट हमें यही होने वाला है कि हमारी जो सीलन, मॉइस्चर, नमी जो भी होती है वो हमें नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि जनरली अगर उसके घर में टॉयलेट वगैरह, बाथरूम इधर ही साइड है तो आप उससे तो नहीं कह सकते ना कि अपनी टॉयलेट चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो हम अपनी प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा, कुछ पैसे इन्वेस्ट करके, जो कि मामूली रकम है, अपनी खुद एक पॉलीथीन लगा के आप इसको स्प्रेड कर बिछा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो सीलन है वो नहीं उधर जाने की, ना ही उधर से इधर आने की। तो देखिए, मैं आपको सजेशन करूँगा कि आपको ये पॉलीथीन लगानी चाहिए, इसमें ज़्यादा इतना खर्चा नहीं होने वाला, लेकिन आपको ये मॉइस्चर, सीलन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है उससे आपको राहत मिलेगी।
तो देखिए आज इस वीडियो में बस इतना ही था कि हम ये पॉलीथीन जो यूज़ करते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है और ऑन साइट पर किस तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा ये कॉलम कास्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारी ये इससे पहले हमें लगा रहे हैं, उसके बाद हमारा ब्रिक वर्क चलेगा। तो इस पर अभी टेम्परेरी लगा रहे हैं, उसके बाद हम जैसे मैंने आपको दिखाया कि जैसे वो गुल में कील जो है उससे फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।